स्टैंडर्ड 4 मैथ्स हम लोगों ने फैक्टर्स देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर एंड हम लोग फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं वो। ओके, सो सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? ओके, सो प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जब सिर्फ वन और खुद के नंबर से डिविजिबल हो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। सपोज़ 5 इज़ अ नंबर जिससे जो सिर्फ वन से डिविजिबल होता है और खुद के नंबर यानी कि 5 से डिविजिबल है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वो 1 और 5 को छोड़ करके किसी और के टेबल में नहीं आता हो। उसी तरीके से नंबर 7 जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 उसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी नंबर में के टेबल में नहीं आता है। वैसे ही नंबर है 9। अब ये 1 से डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि 3 3 इज़ 9, 3 के टेबल में ये आता है। फिर 4 में नहीं आता, 5, 6, 7, 8 में नहीं आता और 9 खुद के नंबर में आता है। तो जो 1 और नंबर इट्सेल्फ उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल है उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ओके, दिस कॉम्पोजिट नंबर। ओके, कॉम्पोजिट नंबर। और ये बाकी सारे नंबर्स हो जाते हैं प्राइम नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, 1 से लेकर के 10 तक में हम प्राइम नंबर्स देखते हैं जो कि सिर्फ 1 से डिविजिबल है और नंबर इट्सेल्फ से। सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिखा है। 1 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 को हम इग्नोर करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, वहीं से चेक करते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, सो 2, 1 से 10 तक में हम प्राइम नंबर देख रहे हैं। 2 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल है एंड 2 से ही डिविजिबल है। देन 3, हाँ 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि 3 1 और 3 को छोड़कर किसी और के टेबल में नहीं आता है। देन 4, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। काउंट करो, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, है ना? तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसे हम अलग से लिखते हैं। देन 4 के बाद 5, 5 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 5 को छोड़कर और किसी के टेबल में नहीं आता है। देन 5 के बाद 6, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 के भी टेबल में आता है, 3 में भी आता है। ओके, देन 6 के बाद 7, यस 7 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। देन 8, नो 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि ये 2 में आता है, 4 में भी आता है। देन 9, 9 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। 9 के बाद 10, यस 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो 1 से 2 से 10 तक में हमारे ये प्राइम नंबर मिल गए जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हैं और नंबर इट्सेल्फ से ही डिविजिबल हैं। लेकिन बाकी सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे हो जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर, ये हमारे हो जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, सो अभी आप लोगों को एक टास्क है क्लास वर्क में, 2 से लेकर के 20 तक में सारे प्राइम नंबर्स लिखना है वीडियो को पॉज करके एंड सारे कॉम्पोजिट नंबर भी लिखना है। ओके, राइट इट डाउन। सो हियर यू कैन सी दैट 2 से 20 तक में सारे प्राइम नंबर्स हैं। पॉज द वीडियो एंड चेक, एंड ये सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। ओके, सो होप सभी का करेक्ट हुआ होगा। सो नाउ वी विल कम टू प्राइम फैक्टराइजेशन।